ससरावत में एक युवक के अपहरण के बाद फिल्मी स्टाइल में वापस घर लौटने के मामले में नया खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले को खुद को अपहरण का शिकार होने वाले युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि 8 अक्टूबर को कसरावत के दिलीप दुबे ने थाने में सूचना दी और उनका बेटा दीवांशु रोजाना की तरह शाम को महाअमंडलेश्वर रोड पर घूमने निकला और रात करीबन 11 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल पर बताया कि दीवांशु को छुड़वाना चाहते हो तो 20 लाख रुपए की व्यवस्था करो और सुबह और फोन करेंगे। सूचना मिलते ही रात में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मंडलेश्वर रोड की बारीकी से जांच की गई। 9 अक्टूबर की सुबह 8 बजे दीवांशु के पिता के पास फिर फोन आया और दीवांशु ने कहा कि अपहरण करने वालों ने मुझे बड़वानी सरजवानी रोड पर छोड़ दिया है। पुलिस ने बड़वानी थाने पर संपर्क कर उसे सुरक्षित वहाँ पहुँचाया। दीवांशु ने पूछताछ में अपहरण की कहानी सुनाई है, उस पर टीम को संदेह हुआ है और देवांशु के हर बार घटनाक्रम अलग अलग तरीके से बताने पे पुलिस को शक हुआ। उसकी कॉल लोकेशन की जांच की गई और जहां जहां उसे लोकेशन बताई उसके करीबन 4 जिलों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सख्ती से पूछताछ में इंदौर में 2018 में निजी बैंक में काम करने वाले रजत पवार का नाम बताया और पुलिस रजत को इंदौर से पकड़ कर लाई है। थाना कस्बावत में प्राइमरी रिपोर्ट हुई थी कि एक दिव्यांशु नाम का युवक है जो रात को अपने घर से टहलने के लिए नहीं निकला था और वापस नहीं आया है। लेट नाइट दिव्यांशु के पिता के फोन पर रैंसम कॉल आया जिसमें कि 20 लाख रुपए की राशि की मांग की गई कि ये राशि उपलब्ध कराएंगे तभी दिव्यांशु वापस पहुंचेगा। पुलिस ने तत्काल इसमें संज्ञान लेते हुए इसमें अपहरण की FIR दर्ज की और विशेष टीम इसमें बनाई गई। इसके बाद अगले दिन सुबह एक कॉल फिर आया, दिव्यांशु के कॉल से ही कॉल किए जा रहे थे और उसमें पुनः वही राशि की मांग की गई। तो हमारी टीमें लगातार उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी, जहाँ जहाँ से लोकेशंस पे कॉल आ रहे थे उसमें पूरा टेक्निकल टीम उसमें इन्वॉल्व थी। पुलिस की जब जांच पड़ताल काफ़ी टीमें इन्वॉल्व हुई और काफ़ी लोगों से संबंध पूछताछ हुई तो संभवतः ये संदेश गया कि इसमें जल्दी ही मामले का खुलासा हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में दिव्यांशु लेट नाइट बड़वानी पहुंचा, बड़वानी पहुंच के उसने अपने पिता को दूसरे नंबर से फोन किया कि मैं अपहरणकर्ताओं से छूट के आ गया हूं और मुझे आके ले जाइए। बड़वानी पुलिस को तत्काल सूचित करके दिव्यांशु को हिरासत में लिया गया और उसको हिरासत में लेने के बाद मेडिकल के बाद उसे लगातार पूछताछ की गई। पुलिस को जो उसने प्राइमरी स्टेटमेंट दिया उसमें उसे यही बताया कि जब वो टहलने के लिए निकला था तो दो लोग आए और उसके बेहोश करके उसको रखा गया, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसका जो बयान था वो शुरू से ही बहुत ही संदेहास्पद लग रहा था तो हमारी टीमें लगातार इसमें लगी रही। टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर जिन जिन लोकेशंस पे इनका मूवमेंट हुआ था और ये कॉल्स हुए थे उसके आधार पर इंदौर से एक युवक को पकड़ा गया जो रजत पवार है। रजत पवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता लगा कि रजत पवार दिव्यांशु का मित्र है और दिव्यांशु बेसिकली ये जो ट्रेडिंग करता है शेयर मार्केट में उससे उसको काफ़ी लॉस हुआ था और इन दोनों की योजना ये थी कि अपने पिता को अपहरण का भय दिखा के पिता से एक बड़ी राशि हम लोग ले लेंगे और उसको हम शेयर कर लेंगे। कुल मिला के वास्तविक रूप में तो अपहरण हुआ ही नहीं था, जो अपहरणता दिव्यांशु बताया गया दिव्यांशु ने अपने मित्र जो इंदौर का रहने वाला रजत पवार है उससे मिलकर पूरी योजना बनाई थी। रजत पवार योजना के मुताबिक कसरावत पहुंचा था, कसरावत से उसको मोटरसाइकिल पर उठा के ले गया था। इसके बाद रजत पवार ने ही रैंसम कॉल्स किए थे तो रजत पवार और दिव्यांशु दोनों को अब उसके एक्सटॉर्शन के केस में 384 और षड्यंत्र के केस में गिरफ्तार किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो ओवरऑल ये किडनैपिंग का केस न होके अपने पिता से अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए और पैसा बरामद करने के लिए कोई योजना रची गई थी इसका खुलासा कसरावत पुलिस ने किया है। शेयर मार्केट में घाटा होने की वजह से सर ये रची थी। हाँ, ये दिव्यांशु बेसिकली इसने अपने पिता से करीब 12 लाख रुपए लिए थे जिसका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया था और पूरी राशि का नुकसान इसको हो गया था तो उसकी भरपाई करने के लिए इसको उम्मीद थी कि पिता को यदि हम अपहरण की भय दिखाएंगे तो निश्चित रूप से पैसा उपलब्ध करा देगा, इसलिए पूरी योजना बनाई गई। कितने लाख रुपए हो गए थे? 20 लाख। हाँ, जो रैंसम कॉल्स हुए थे उसमें 20 लाख की फिरौती की मांग की गई थी।